नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम JNV के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें से हम मैथ शुरू किया और मैथ का हम लोगों ने 3 चैप्टर समाप्त कर लिया। ये जो हमारा है वो 4th चैप्टर है दोस्तों, गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण ध्यान रहे। ये हम पुरानी बुक से तैयारी करा रहे हैं, नई बुक में ये चैप्टर आपको 4th की जगह कहीं और भी मिल सकता है, आप देख लें, क्योंकि जो नई बुक आई है उसके लेसन इधर उधर हो गए और पुरानी वाली में जो है वो 4th चैप्टर हमारा गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण ही है। और नई वाली में देख लीजिए, शायद 4th 5th ऐसा कुछ हो। तो देखिए, जो नई वाली बुक है दोस्तों उसमें 4-5 सवाल एक्स्ट्रा है और पुरानी वाली में भी है, लेकिन जो नई वाली बुक्स है उसमें 4-5 सवाल ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले जो 4-5 सवाल एक्स्ट्रा है उसे हल कराएंगे, फिर पुरानी बुक से कुछ सवाल मिलेंगे उन सबको भी हम लोग हल करते चलेंगे। तो फिलहाल आइए, सबसे पहले हम लोग नई बुक के सवालों को हल करेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण है इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखा हुआ है गुणनखंड, तो जानिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है 6। अगर हम देखें तो 6 1 से कट जाएगा पूरा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ना। ये जो 1 2 3 6 है ये ऐसी संख्याएं हैं जिनसे यदि हम 6 को भाग दें, क्या करें, 6 से भाग देना दोस्तों, 6 में भाग दे इन सब संख्याओं से, तो क्या होगा कि शेषफल कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो देखिए, किताब में आपके लिखा हुआ है कि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती, क्या हो जाती, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या फिर अपवर्तक कहलाती है। तो आई होप भी गुणनखंड आप समझ गए होंगे कि देखिए गुणनखंड का मतलब एक बार आप इसे कॉमन सी भाषा में अगर समझे तो जो संख्या दी है वो संख्या किस किस संख्या से कट जाएगी, वो भी पूर्ण रूप से, हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से वो संख्या किस किस से कट जाएगी वही हमारा क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। अब रही बात गुणज की दोस्तों, तो देखिए गुणज क्या होता है। गुणज अगर हम लोग देखिए, जब 2-4 में थे तो हम लोग पहाड़ा जिसको हम लोग टेबल याद करते थे ना, तो वही गुणज है हमारा। जैसे हमसे पूछ लेता है कि 2 के गुणज बताइए, तो दोस्तों 2 का पहाड़ा भी उसका क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। देखिए, अब जैसे हमसे कहता है कि 2 के प्रथम 5 गुणज बताइए, देखिए 2 का नाम 2 2 4 6 8 10, देखिए 5 हो गए ना, तो ये 2 के प्रथम 5 गुणज है, ठीक है। तो गुणज होता है कि उसी जिस संख्या का हमसे गुणज कहा जा रहा है हम उसी की टेबल यदि जितनी बार बोला उतना बार पढ़ लीजिए वही उसका गुणज हो जाएगा। आपकी किताब में डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। फिलहाल इस जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें हमें डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें लिखना थोड़ी है, हमें समझ आना चाहिए क्योंकि हमें सवाल हल करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल को, ठीक है। तो ये जो हमें जैसे कि यहाँ पे गुणनखंड और गुणज, हाँ सर एक बात और देखिए, एक शब्द आपको किताब में और ज्यादा यूज करने के लिए मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देख लीजिए ये क्या होगा, देखिए उभयनिष्ठ से ही पता चल रहा है कि दोस्तों कॉमन, देखिए उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। अब देखिए कॉमन कैसे, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ 12 लिखा हुआ है और एक दे देता है 24 दे देता है, तो अब अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं, पहले ये देखते हैं कि 12 किस किस संख्याओं से कटेगा। तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और फिर स्वयं 12 से। अब ऐसे 24 का भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24, इतनी संख्याओं से 24 कटेगा और इतनी संख्याओं से 12 कट जाएगा। तो अब देखिए, देखिए एक कॉमन है, 2 भी कॉमन चला जा रहा है, 3 4 6 12, मतलब दोस्तों 1 2 3 4 6 12 ये 24 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। मतलब 1 2 3 4 6 12 ऐसी संख्या है, उभयनिष्ठ का मतलब है कि ये दोनों को काट देंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है दोस्तों, कि ये जो छह कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 6 12
उभयनिष्ठ संख्या, इसका मतलब है कि जिस भी संख्याओं के लिए कहा जा रहा है कि उभयनिष्ठ है वो ये संख्या उन दोनों को डिवाइड करेगी, ठीक है, तभी ये उभयनिष्ठ संख्या हमारी कहलाएगी। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है कि जो उसके साथ भी रहे और इसके साथ भी रहे, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। वैसे यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो हमने इसका गुणनखंड किया, इसका गुणनखंड किया, जो जो संख्या कॉमन होती है यानी 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये क्या है दोस्तों, 12 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते, बस इससे ज्यादा आपको प्रश्न और कुछ नहीं आना। सबसे पहले आपको हम नई बुक की जो 4-5 सवाल एक्स्ट्रा है उसे हल कराएंगे, फिर हम पुरानी बुक पे आते हैं। देखिए हमारे जो पहले नंबर सवाल थी वो ये है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, तो संख्या ए क्या है। देखिए दोस्तों हम आपको बताया थे कि हम नई किताब से पहले करा रहे हैं और इसमें पुरानी किताब कभी हो जाएगा। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 9 तथा 7 दोनों का एक अभिनिष्ट गुणज संख्या ए है, मतलब कि जो 9 है और जो 7 है, 9 और 7 से दोस्तों कोई एक उभय कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणज, मतलब कि दोनों से कटे कोई एक ऐसी संख्या है, कहा गया है कि मानिए वह संख्या ए है कि जो 9 और 7 दोनों से कट जाएगा, ठीक है। और जो ये ए है ये 1200 और 1300 के बीच में है, तो बताइए ए कौन सी संख्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात तो हमें हिंट दे दिया कि 1200 और 1300 के बीच है, तो देखिए हम इसे ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन जो हुआ है हमारा 1197, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये 1200 से छोटा हो गया, हमें 1200 और 1300 के बीच ही कह रहा है। तो अब बचा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन, तो जो तीनों ऑप्शन है उन सब में हम 9 और 7 से 7 दोनों से भाग दे के देख लेंगे, तीनों ऑप्शन में जो कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरी नंबर सवाल पे। दूसरी नंबर सवाल कह रहा है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताइए। देखिए हम आपको गुणज बता दिए थे कि जब भी हमसे गुणज बोले, क्या बोले, गुणज बोले, इसका मतलब होता है कि जिसका भी हमसे गुणज कह रहा है इसका मतलब आप उसका टेबल पढ़िए। और कह रहा है दोस्तों कि 6 के पहले 4, मतलब 6 का टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ने वाले हैं, 4 बार। तो देखिए 6, 12, 18, 24, ठीक है, इन्हीं का हमसे योग पूछ रहा था कि इसका योग क्या आने वाला है। दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 60। बस पूछ रहा था कि 6 के प्रथम या फिर 6 के पहले 4 गुर्जों का योग बताइए। तो हमने 6 के पहले 4 गुर्जों को जोड़ दिया, 6 + 12 + 18 + 24 = 60 आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग बताइए। अब देखिए इसमें 4 गुणज थे, अब कह रहा है कि 6 के 5 गुर्जों का योग बताइए। तो 6, 12, 18, 24, 30, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जोड़ा था 60 आया था, अब फिर इसमें 30 जोड़ देंगे यानी 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग कितना आएगा, 90 आएगा, ये भी समझ गए आप। चलिए चौथी नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुर्जों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर। देखिए कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुर्ज, देखिए हम लोग ये 6 के प्रथम 5 गुर्जों को जोड़ा है, क्या आया है, 90 आया। कह रहा है कि देखिए तीसरे नंबर सवाल से चौथी नंबर भी हल हो जाएगी, हमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुर्जों के योग से आने वाली संख्या, देखिए हमने 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग किया, आया 90 आया। अभी जो संख्या आई इसके इकाई और दहाई के जो अंक हैं उसका हमें अंतर बताना है। तो बताइए यहाँ 90 लिखा हुआ है, इधर का अंक हम इकाई कहते हैं और इधर के अंक को हम लोग दहाई कहते हैं, तो हमसे इसी का अंतर पूछ रहा है। अब बताइए 9 - 0 क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो देख लीजिए फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो ये जो दोस्तों ये 9 आया है ये हमारी चौथी नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए आइए हम अपनी 5वीं नंबर सवाल देखते हैं, उसमें कह रहा है कि 13 के प्रथम 7 गुर्जों का योग किसके निकटतम है। ये दोस्तों गुणज बोल दिया है, तो हम आपको बताए थे कि जब भी हमसे गुणज बोल दे और जिसका भी बोले उसी की हम टेबल पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 13 के प्रथम 7, तो 13 का टेबल आप 7 बार पढ़िए, उसके बाद जो आए उन सभी को जोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, कह रहा है कि निकटतम मान बताइए। तो देखिए जब हम 13 के प्रथम 7 गुर्जों को जोड़ लेंगे तो जो भी आएगा, क्या जो भी आएगा, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा क्योंकि उसके निकट, तो ये देखिएगा कि आंसर के एकदम निकटतम पे कौन है, हम वही ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 13 के 7 गुणज लिखते हैं, 13 का टेबल हम 7 बार लिखते हैं, फिर उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है।
देखिए ऐसे प्लस का चिन्ह लगा। इधर लिखते हैं देखिए, 7 गुणज लिख लिया हम लोगों ने, 13, 26, 39, 52, 65, 78, उसके बाद 91। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 364। क्या आएगा? 364। अब देखिए ऑप्शन, देखिए आपका जो ऑप्शन है उसमें कोई भी 364 नहीं है, तो अब बताइए इसके निकट की, देखिए एकदम इसके पास की जो संख्या ऑप्शन से मिल रही होगी वही आप आंसर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक शब्द कहा है निकटतम, यानी जो आप जोड़िएगा उसके निकट की संख्या जो होगी उसी को आप आंसर दीजिएगा। तो हमने जोड़ा तो आया 364, और 364 चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि 364 के निकट सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 365। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 365 होगा। चलिए देखिए छठा नंबर, 30 के गुणक बताइए। अब फिर हमने आपको बताया था गुणक इसका मतलब क्या है, हाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, देखिए गुणक और गुणज, गुणक अवलिक गुणज, देखिए ये दो शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जब भी हमसे गुणज बोल दे, क्या बोल दे, गुणज बोल दे, तो यानी कि जिसकी भी जिस भी संख्या का बोले कि इतने का गुणज बताइए, तो हम उसका ही टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। और जब हमसे गुणक बोल दे, गुणक आप दो मतलब और ले लीजिए, एक तो गुणनखंड, दूसरा अपवर्तक, ठीक है। तो जब भी आपसे कह दे गुणक कह दे, या फिर गुणनखंड कह दे, या तो अपवर्तक कह दे, इन तीनों का मतलब दोस्तों एक ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये साउंड देखिए, गुणक और गुणज ना, तो थोड़ा अंतर रहेगा कि जब गुणज बोलेगा तो हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका भी हमसे पूछे, मान लीजिए कह रहा है कि 6 के गुणज, तो जितना अंक तक बोलेगा हम उसी की टेबल पढ़ देंगे। और जब हमसे गुणक बोलेगा, यानी दोस्तों ये गुणनखंड कह रहा है कि वह संख्या किस किस से पूर्ण रूप से कट जाएगी, कोई भी शेष फल नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में ही इसीलिए गुणनखंड गुणक ये सब बता दिए थे गुणनखंड, ताकि आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि देखिए कई बार हमसे क्वेश्चन में कह देता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 30 के गुणक बताइए, हमसे ये नहीं बोला कि 30 के गुणनखंड बताइए, तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कि गुणक, गुणनखंड, अपवर्तक ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का मतलब भी एक ही है, तीनों का मतलब केवल यही होगा कि जिसका जो भी संख्या हमें कह रहा है वो किस किस से कट जाएगी, वही हमारा गुणनखंड, वही हमारा गुणज, वही हमारा अपवर्तक है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 30 के गुणक बताइए। तो आप ये देखिए कि 30 किस किस संख्या से कट जाएगी, बिल्कुल भी रिमाइंडर ना बचे, तो जिस भी संख्या से वो कट जाए, जिस चीज से, वही उसकी क्या हो जाएंगी, गुणक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लिख रहे हैं, पहले देखिए 30 पहली बार तो 1 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5, 6, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से फिर कटेगा, फिर 30 से कटेगा। तो ये इसके गुणक जो गुणकों की संख्या है, मतलब 30 एक से कटेगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। जितनी भी मैंने यहाँ संख्या लिखी है, इससे यदि आप 30 को भाग देंगे, तो 30 से भाग देने पर इन संख्याओं से कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला, सब पूर्ण रूप से कट जाएंगे। इसी को तो हम लोग गुणनखंड, गुणज या फिर अपवर्तक कहते हैं ना। तो देखिए यही है, देख लीजिए जो ऑप्शन में जो मिल रहा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा इज अ करेक्ट। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक संख्या है, देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसमें हमसे एक कंडीशन दे रहा है, ठीक है, उस पे हमें उसकी हमें 3 शर्तें हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन की 3 शर्तें, उन तीनों शर्तों को जो ऑप्शन मतलब मानेगा वही ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए पहली शर्त है कि 50 से कम होना चाहिए, पहले हम यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं, पहला ऑप्शन था 14, दूसरा था 42, तीसरा था 49, चौथा था 70। देखिए पहला ऑप्शन है कि 50 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन, पहले शर्त के अनुसार चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये 50 से ज्यादा हो गया। दूसरी बार कह रहा है कि 7 के गुणज होने चाहिए, मतलब दोस्तों कि 7 के टेबल में वो संख्या आनी चाहिए, तो 7 के टेबल में तो ये तीनों यानी 14, 42, 49 तीनों आने वाला है, चलिए ये शर्त तो तीनों मान लिए।
अब देखिए एक आखिरी शर्त है कि के कुल तीन गुणनखंड होने चाहिए, मतलब वो जो संख्या होगी उसके कुल तीन गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए जब हम लोग 14 का गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 7, 14 ये तो चार हो गया, इसीलिए यह गलत हो गया। 42 का देखिए, अगर हम 42 का करते हैं तो 1, 2, 3, 6, 7 देखिए तीन से ज्यादा हो गए तो ये तो वैसे भी गलत होगा, अभी इसके और भी होंगे तो तीन से ज्यादा हो गया इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। अब बारी आती 49 की, जब आप 49 का करेंगे तो 1, 7, 49 देखिए इसके तीन ही गुणनखंड है इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 49, तो यानी थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं हम आठवीं नंबर सवाल की, कह रहा है कि 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताइए। आपको हम बता दें सर्वनिष्ठ और उभयनिष्ठ ये दोनों एक ही चीज़ है, जब भी हमसे बोले कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताइए या फिर हमसे बोले कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए तो दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह उभयनिष्ठ ही बोले, कई कई जगह वो सर्वनिष्ठ भी कह देगा, तो ध्यान रहे कि दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है, चाहे वो सर्वनिष्ठ कहे चाहे वो उभयनिष्ठ कहे। तो देखिए क्वेश्चन में है कि 12 और 15 की तो सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले आप निकाल लीजिए गुणनखंड, फिर सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ हम बताएंगे। देखिए 1 से कटेगा 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, अब इसका 1, 3, 5 उसके बाद 15 तो ये 12 के गुणनखंड हो गए और ये 15 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब हमसे कॉमन पूछा है तो देखिए इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के गुणनखंड में आई है, तो आप कहोगे 1 आई है ना, अब फिर उसके बाद 3 आई है, बस तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसी संख्या जो जिसे मान लीजिए कह रहा है कि 12 और 15 ऐसी संख्या बताइए जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे, उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहेंगे या फिर कॉमन कहेंगे। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई एक आदमी है वो आपकी भी मदद कर देगा और हमारी भी, यानी वो हम दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, वो आपकी भी सहायता कर रहा है मेरी भी कर रहा है। वैसे यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात हो रही, जब हमने गुणनखंड किया तो देखा कि जो एक है वो 12 को भी काट रहा है और 15 को भी काट रहा है, और जो 3 है वो 12 को भी काट रहा है और 15 को भी काट रहा है। इस वजह से जो 12 और 15 की सर्वनिष्ठ या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो क्या होगा 1 और 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 9वीं नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी मतलब 237,800 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। आप नोट कर लीजिए, जब भी हमसे कहे अभाज्य गुणनखंड, क्या बोले, जब भी आपसे कह दे अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आप एक ही काम करिए, जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोले आप तुरंत उसका लासा निकाल लीजिए और फिर वही हो जाएगा। देखिए हम आपको लासा निकाल के बताते हैं, 37,800 इसका हम लोग लासा निकालते हैं, देखिए 5 से काटिए 5, 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 5
साथ ही काट लेते हैं, साथ में चलता है। अब इधर देखते ही लिखते हैं, देखिए 27 को हम 3 से काटते हैं, अब 3 × 27 फिर 3 से काटेंगे, 3 × 9 फिर 3 ये। तो देखिए हमने जिस भी संख्या से भाग दिया है वो सब अभाज्य है। देखिए अभाज्य गुणनखंड हमसे कह रहा था, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होगा कि ऐसा गुणनखंड करिए कि वो सभी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। उसको हम दोबारा दोस्तों मतलब तोड़ ना पाए। अब बताइए क्या आप 2 को और तोड़ सकते हैं, 3 को और तोड़ सकते हैं, 7 को और तोड़ सकते हैं, 5 को और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। तो हमसे कह रहे थे अभाज्य गुणनखंड, तो हमने उसका ऐसा गुणनखंड किया कि सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। देखिए तो देखिए ऑप्शन में अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ×
सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, देख लीजिए जो मिल रहा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड बोले तो आप का क्या करेंगे, तुरंत ही उस संख्या का लासा निकाल लीजिएगा और ऐसी संख्या से भाग दीजिएगा जो अभाज्य होगी। ठीक है, अब आइए कह रहा है निम्न में से, दसवीं नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। बात हमसे हो रही है दोस्तों दसवीं नंबर की, कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 316 का गुणनखंड नहीं है, मतलब वो संख्या बताए जो 316 के टेबल में ना आए या फिर 316 को वो ना काट पाए। ठीक है, गुणनखंड की बात हो ना, तो 316 को ऐसी संख्या बताइए चारों ऑप्शन में से कि जो 316 को पूर्ण रूप से ना काट पाए, यानी क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। तो देखिए एक तो काट लेगा, 158 भी काट लेगा और 59 यानी 79 यानी 79 भी काट लेगा। अब बचा 8, 8 दोस्तों 316 को पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा, इस वजह से हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अब देखिए आपसे ग्यारहवीं नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे लिख के बताते हैं। देखिए ग्यारह नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए हमसे 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3 इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये देख लीजिए कि जो आधार हैं वो क्या अभाज्य हैं। तो देखिए 11 तो अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, लेकिन क्या 4 अभाज्य है, नहीं है ना, तो इसे पहले अभाज्य करते हैं। तो एक काम करिए, 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11, 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए ये हमने यहाँ पे फोकस करिए, अब देखिए 4 को हमने तोड़ दिया, ठीक है, 4 को हमने अभाज्य कर दिया। देखिए हम कहते हैं ना, जब भी अभाज्य की बात आप करें तो उस संख्या का क्या करेंगे, लासा निकाल देंगे। तो जब मैंने लासा निकाला तो क्या आया, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 लिख दिया। 4 की पावर 11 थी, इस वजह से इन दोनों 2 की पावर भी 11 कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या, तो आप सभी को, आप सभी इसमें क्या हो गई है, अभाज्य हो गई है ना, तो कुछ नहीं करिए, जितनी भी घात है सबको जोड़ लीजिए। जब हम सब घात को जोड़ेंगे तो आएगा 30, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या क्या आने वाली है, 30। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जब हमसे ऐसे सवाल पूछे तो हम क्या करेंगे, तो उसमें से जो अभाज्य नहीं रहेगी उसे पहले हम अभाज्य करेंगे। एकाठी जरूर आपको इसमें भाज्य दे देगा, उसको पहले आप अभाज्य कर लीजिएगा, यानी उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसे अभाज्य कर दीजिएगा, फिर जो घात उस भाज्य वाली संख्या की रहेगी वही घात हम अभाज्य के साथ भी कर देंगे, फिर घातों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं। तो जरा आप गौर कीजिए, मैंने आपको जो छठी नंबर सवाल बताई थी 30 के गुणनखंड, उसमें मैंने आपको 30 के गुणनखंड ही निकाले थे। तो जो हम लोगों ने निकाला था 1, 3, 5, 6, 10, 15, 30, तो जब आप इसको गिनेंगे तो आने वाला है दोस्तों 8। तो हमसे यहाँ पे संख्या पूछ रहा था ना, तो 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं, तो दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन हमारा राइट है 8। अब 13 नंबर सवाल है, 45 के गुणनखंड हैं। अब हमसे देखिए 45 के गुणनखंड पूछ रहा है, आप देखिए कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 45 पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो देखिए 1 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, फिर 45 से कट जाएगा। इस वजह से दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट है। अब देखिए 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 का गुणज है। देखिए गुणज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो 12 के टेबल में आती हो। तो पहला ऑप्शन 144 है, दूसरा 110 है, तीसरा 109 है, चौथा 113 है। तो आप बताइए चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 के टेबल में आती है। तो आपको अगर वर्ग याद हो तो 12 का वर्ग होता है 144, यानी 12 बरह में 144 होता है, इस वजह से 144 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है।
आपको भली भांति पता है, आप हाथ जोड़ भाज हमने पहले ही लेसन में आपको बता दिया था। तो दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन यानी पांच हमारा अभाज्य संख्या है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, अब हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है। तो आप देख लीजिए कि जो एक से कट जाए, खुद से कट जाए और तथा किसी अन्य से भी कट जाए तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। पहला ऑप्शन यानी 123 हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। मतलब दोस्तों कि वह आप संख्या बताइए, देखिए इसे हम लिख के बताते हैं, ये सवाल थोड़ी डिफिकल्ट है और आप इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, इस प्रकार की सवाल आने का पेपर में चांसेस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 72 से गुणा करने पर, किससे दोस्तों, 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर हम किसी संख्या को 72 से गुणा कर दे तो वह 112 का गुणज प्राप्त हो जाए, ये हमें बताना है। तो देखिए हम चारों ऑप्शन में रख के ट्राई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा 6 है। जब हम यहाँ 6 रखेंगे और जब आप इसे काटेंगे ना तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटने वाला, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम रखेंगे दोस्तों 12 रखेंगे तब पर भी नहीं कटने वाला। अब डायरेक्ट हम तीसरा ऑप्शन रखते हैं जो कि हमारा 14 है। जब आप इसे आप रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, ये जाए 14 8 112 और 8 9 72, तो कितना यानी दोस्तों 14 ही हमारा राइट है। देख लीजिए पूर्ण रूप से कट गया। तो यानी दोस्तों कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होगा। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 14 है। अगर हम 14 में 72 से गुणा कर दे तो वह 112 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। देखिए उसके बाद के सवाल में हमसे कहा जाए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली है। तो देखिए ऐसे सवालों पे आप थोड़ा केयर करिएगा, करना क्या है, कह रहा है कि 1 से 17 के बीच। पहले आप ये देख लीजिए कि 1 से 17 के बीच कितनी संख्याएं अभाज्य है। ठीक है, तो जब आप 1 से 17 के बीच गिनती लिखेंगे, अभाज्य संख्या लिखेंगे, तो देखिए 2 3 5 7 11 13 हमसे केवल 1 से 17 के बीच बोला था। तो हमने 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्याएं लिख ली, गिनिए 1 2 3 4 5 6 कितनी अभाज्य संख्या निकल के आई, 6 निकल के आई। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप देखिए चारों ऑप्शन में भाग दे लीजिए इस 6 से, जो कट जाएगा वही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप ध्यान रखिए जब हमसे इस प्रकार के सवाल कहते हैं कि 1 से 17 तक 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं से, मतलब कितनी, मतलब कह रहा है कि 1 से 20 तक अगर हम मान लीजिए कह रहे हैं, तो वैसी कौन सी संख्या है जो उनके बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सब से कट जाए। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करिएगा, पहले देख लीजिएगा कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में 1 से 17 बोला, तो हमने देखा कि 1 से 17 के बीच में 6 अभाज्य संख्या है। अब आप इस 6 से सभी ऑप्शन में भाग दे के देख लीजिए, जो कट जाए वही हमारा राइट आंसर होने वाला। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में 6 से विभाज्यता का नियम बताया था, जो कहता है कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो आप देख लीजिए चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अगर 2 से कट रही है 3 से कट रही थी, यानी वो 6 से भी कट जाएगी, इस वजह से चौथा नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त है। मतलब दोस्तों ये कि चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो 45 से पूर्ण रूप से कट जाने वाली है। तो भाग दे के देख लीजिए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, काम करिए 75 का आप लासा निकाल लीजिए, उसके बाद जो आएगा वही उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम हल कर रहे हैं, 20वीं नंबर हमारी सवाल है 75 के अभाज्य गुणनखंड यानी इसका लासा। तो देखिए हम पहले 3 से काटते हैं, 3 2 6 3 5 15, अब 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 5 25 फिर 5 5 25, यानी दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 × 5 × 5 होने वाली। देख लीजिए सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखिए 21 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बताइए। देखिए कह रहा है कि 5 के गुणजों की संख्या हमसे पूछ रहा है, वो भी 40 से छोटे। वहां तक आप 5 का टेबल पढ़िए
कि जब तक वो 40 से छोटा रहे, ठीक है। तो देखिए पांच के गुणजों की संख्या, गुणज मतलब टेबल, तो हम पांच का टेबल पढ़ रहे हैं जब तक वो 40 से छोटा रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 10, 10 तो लिखे ही नहीं, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब देखिए अगर हम इसके आगे लिख देते हैं तो वो 40 हो जाएगा, लेकिन हमसे 40 से छोटा बोला और इसका हमसे कह रहा है कि ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 40 से छोटे पांच के गुणज कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि जो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ये दोस्तों जो क्वेश्चन हमें भी आपको हल कराए हैं, ये अरिहंत बुक से आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग अरिहंत बुक से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये अरिहंत बुक का चौथा चैप्टर था दोस्तों जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको 21 सवाल हल कराई हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब इससे पहले वाले साल में पूछे गए थे ये सब क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों जो है वो अभ्यास प्रश्नावली है, वो आपको खुद लगाना है। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो इसी प्रकार के सवाल अभ्यास प्रश्नावली में रखी गई हैं, आप खुद से ही हल कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप, हम आपको हर वीडियो में यही कहते हैं कि आप मेहनत करिए, जितना हम बता रहे हैं उसी पे फोकस करिए और एक बार नहीं बार बार रिपीट करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। पहली बार में कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। आप बार बार कोशिश करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और सेकंड जो प्रश्नावली, यानी जो अभ्यास प्रश्नावली है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, हम इसकी PDF बना के इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो बच्चे जाके देख लें जिनके पास किताब वो नहीं है। और फिर ध्यान रहे कि हमने इससे पहले के जो 3 चैप्टर पढ़ाए हैं और ये आज 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आप चारों को भली भांति तैयार करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए, आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। बाकी हम आपको कल 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।